हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आज हम EBS में चैप्टर 4 की स्टडी करेंगे। चैप्टर नेम इज़ अनीता एंड द हनी बीज। इस चैप्टर में हम अनीता के बारे में पढ़ेंगे और हनी बीज के बारे में। ये एक ट्रू स्टोरी है। अनीता नाम की एक लड़की है, उसने कैसे हनी बीज को पालना शुरू किया और उससे मनी अर्न भी की। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अनीता बता रही है इस लेसन में, माई नेम इज़ अनीता। अनीता बूचहा विलेज में रहती है। ये बूचहा विलेज जो है बिहार में है, मुजफ्फरनगर ज़िले में। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड टू यंगर ब्रदर्स। अनीता के दो भाई हैं और उसके पेरेंट हैं। आई स्टडी इन कॉलेज। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन, आई ऑल्सो कीप हनी बी। वो बच्चों को पढ़ाती है, कॉलेज में पढ़ती है और हनी बीज का पालन करती है। हनी बीज उसने रख रखी हैं। एट दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विद माई गोट्स एज दे गेजिंग फॉर फूड। वो कह रही है कि ये काम मेरे लिए ईजी नहीं था। वो क्या था, पूरे टाइम अपनी बकरियों को चराने में बिताती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू होम स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल जाना चाहती थी हमेशा से, लेकिन उसके पेरेंट एग्री नहीं करते थे। इसमें आगे बताया है कि ये एक ट्रू स्टोरी है और अनीता कुशवाहा जो है गर्ल्स स्टार है। उसने एक प्रोजेक्ट में भी काम किया है और उसने गर्ल्स की लाइफ को चेंज किया है। एनकरेज चिल्ड्रन टू लोकेट बिहार ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इसमें बताया है कि आपको इंडिया का मैप लेना है और उसमें आपको बिहार को इंडिकेट करना है कि बिहार कहाँ पर लोकेटेड है। ए ड्रीम ऑफ स्कूल। एक दिन आई पीप्ड इनटू द स्कूल इन आर विलेज। पीप्ड का मतलब होता है देखना, झांकना। वो अपने गांव से स्कूल को देख रही थी। आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सैट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। उसने क्या किया, उसने शोर नहीं किया और चुपचाप बच्चों के पीछे जाकर बैठ गई और वह बहुत खुश हुई। और उसने अपने पेरेंट को स्कूल के बारे में बताया कि वह स्कूल जाना चाहती है, बट उसके पेरेंट ने उसको क्लियरली मना कर दिया कि आप स्कूल नहीं जाओगी। और वो बहुत रोई। आई क्राइड एंड क्राइड, यानी कि वो बता रही है अनीता कि मैं बहुत रोई। वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वॉट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी। एक स्कूल के टीचर उनके घर आए, उन्होंने उसे उनके पेरेंट को समझाया कि स्टडी कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए। टीचर ने बताया कि 8th तक के बच्चों की एजुकेशन जो है उनको कोई पैसा नहीं देना है और यह सबका अधिकार है कि सब बच्चे पढ़ाई करें। इस ऐसा देखकर सुनकर उसके पेरेंट एग्री हो गए और अनीता ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क्ड माई मैनी क्वेश्चन। अनीता कह रही है कि मैं स्कूल जाने लगी थी, लेकिन वो कह रही है कि मेरे कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन मैं क्वेश्चन बहुत पूछा करती थी। आगे इस चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड आउट हाउ मैनी मनी डू यू स्पेंड इन वन ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग। इसमें आपको भरना है, आपको फिल करना है कि आप एक साल में आपके स्कूल का कितना एक्सपेंडिचर है, कौन कौन सी चीज़ें। इसमें एक चीज़ों की लिस्ट दी गई है और इधर मनी स्पेंड की गई है। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक, आप स्कूल आने और जाने के लिए कितना खर्च की हुआ है, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, लंच, शूज़, अदर थिंग्स, ये सब आपको फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक दिस ईयर। इस साल आपने अपनी बुक्स पर कितना खर्च किया है। What kind of a school uniform would you like to wear? Draw a picture of it in your notebook and color it. इसमें आपको अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को ड्रॉ करना है और उसको कलर भी करना है। Staying in school. Time passed and soon I complete class 5th. I knew that we would need to spend more in class 6th.
माई पेरेंट्स सेड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर आई फाउंड अ वे टू डू दिस आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ऑन स्टडी. अब वो बता रही है कि उसके पेरेंट के पास पैसा नहीं था, फिफ्थ तक की तो स्टडी उसने कर ली थी, लेकिन क्या था अब उसको और पढ़ना था, लेकिन उसको इस टाइम स्कूल भी छोड़ना था और स्टडी कंटिन्यू करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी. तो उसने क्या किया, छोटे बच्चों को, गांव के छोटे बच्चों को उसने पढ़ाना शुरू किया. वो अपनी एक स्वीट मेमोरी के बारे में भी यहाँ बता रही है कि वो कह रही है कि जब मैं मुझे याद है कि मेरे गांव में कुछ बड़े लड़के थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बच्चों को तो उन्होंने मुझे धमकाया भी और मुझे रोका भी कि तुम बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, बट सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी. फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट टू स्टॉप्ड कमिंग टू मी. तो एक टाइम ऐसा भी आया कि बच्चों ने मेरे पास आना बंद कर दिया. बट सून दे ऑल कम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर. लेकिन उन्होंने क्या है, फिर मेरे पास आना शुरू कर दिया क्योंकि मैंने उनको बड़े प्यार से और बहुत अच्छी केयर से उनको पढ़ाया था. आगे इसमें कहा है, डू यू नो समवन हु वॉन्टेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो, टॉक अबाउट देम इन द क्लास. अब इसमें आपसे पूछा गया है, क्या आप ऐसे बच्चों को जानते हो, किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो पढ़ना चाहता है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा है, आपको उसके बारे में बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 8th क्लास. की हर बच्चे को अधिकार है कि वो 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन पाए. डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? तो क्या सब बच्चे 8th तक पढ़ पाते हैं? डू यू नो वॉट इज़ राइट RTE एक्ट 2009. RTE आपके स्कूल में भी होती है. इसमें बहुत से बच्चे हैं जिनको एजुकेशन का राइट मिला है, राइट टू एजुकेशन. इसमें बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं. दिस प्रोवाइड द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज 6 to 14 ईयर. फिर आगे बताती है वो, स्लोली आई स्टार्टेड टू अदर पेरेंट इन द विलेज. वो बता रही है कि मैंने फिर गांव के लोगों से धीरे धीरे बात करना शुरू किया कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें. मेरे पेरेंट्स भी इसमें मेरी हेल्प करते थे और माई मदर यूज टू डू ऑल हाउस वर्क एंड आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. मेरी मम्मी क्या है, ऑल टाइम घर का काम करती थी और मुझे स्टडी का काफ़ी टाइम मिल जाता था. यहाँ अनीता ने एक सीक्रेट भी बताया है कि उसने बाइक चलानी भी सीखी थी. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. अब वो बता रही है कि स्कूल से वो बी कीपिंग का काम उसने कैसे शुरू किया. दे आर मैनी लीची ट्री इन आर एरिया. वो बता रही है कि उसके एरिया में बहुत से लीची के पेड़ थे. हनी बी क्या होती है, वो लीची के पेड़ पर अट्रैक्ट होती हैं. बहुत सारे पीपल जो हैं बी कीपिंग करते हैं और उनका हनी कलेक्ट करते हैं और मार्केट में बेचते हैं. और ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे कोर्स भी चला रखे थे. तो क्या किया अनीता ने, उसने वो हनी बी वाला एक कोर्स किया जो गवर्नमेंट की ओर से कराया जा रहा था कि मधुमक्खी पालन आप कैसे करें. इस ट्रेनिंग में वो अकेली लड़की थी जिसने यह ट्रेनिंग कोर्स किया. ड्यूरिंग और उसने ट्रेनिंग में देखा कि जो हनी बी है वो एग देती है अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच में. ये जो टाइम होता है ये बी कीपिंग का बेस्ट टाइम होता है. व्हेन यू सीन एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर. अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि क्या आपने कुछ इंसेक्ट देखे हैं अपने फ्लावर के पास, बताओ आपने कौन कौन से देखे हैं. तो आपने क्या है, हनी बीज देखे होंगे, बटरफ्लाइज देखे होंगे और भी बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो फ्लावर पर अट्रैक्ट होते हैं. आगे इस पर बताया है कि आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में. तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी बुक में ही क्वेश्चन आंसर फिल करेंगे साथ के साथ. व्हाट डू यू थिंक दे कम टू द फ्लावर. अब इसमें बताया गया है कि वे फ्लावर पे क्यों आते हैं. वो क्या है, फ्लावर पे नेक्टर कलेक्ट करने आते हैं, नेक्टर कलेक्ट करते हैं. देयर इज़ अ बजिंग साउंड. बजिंग साउंड इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं उड़ती हैं और एक तरह की साउंड क्रिएट करती हैं, वो कौन सी साउंड होती है. तो उस साउंड को कहते हैं बजिंग साउंड. बिकमिंग अ बी कीपर. वो बी कीपर कैसे बनी,
उसने अपना बी कीपिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया अनीता ने। फिर उसने क्या किया, मनी, बट उसके पास पैसा नहीं था। अब उसे कंटिन्यू करने के लिए क्या है, उसको 5,000 पैसा चाहिए था। बट आई डोंट हैव एंड हैव मनी टू कीप माई ओन बी एंड स्टार्ट वर्क। उसके पास तो पैसा ही नहीं था। आई कंटिन्यू टू टीच एंड विद टाइम कुड कलेक्ट 5,000। उसने क्या है, वही टीचिंग शुरू करी और 5,000 उसने कलेक्ट किए। अब उस मनी से क्या हुआ, उसने हनी बीज के 2 बॉक्स खरीदे। ईच बॉक्स कॉस्ट क्या थी, 2,000। एक बॉक्स की जो कीमत थी वो 2,000 थी। अब उसके पास तो 5,000 रुपीज़ ही थे। उसी में उसको बॉक्सेस भी ख़रीदने थे, मधुमक्खी पालन पूरा करना था, मधुमक्खी के लिए सिरप भी ख़रीदना था, इसलिए उसने 2 ही बॉक्स खरीदे। तो 4,000 तो बॉक्सेस में ही ख़त्म हो गए। फिर जो बचा उसके पास पैसा था, उसने उसका हनी बीज के लिए सिरप लिया, शुगर सिरप, कुछ मेडिसिन ली और उनके लिए एक बिहीव बनाया। बिहीव माने जहाँ मधुमक्खी रहती है। There was a September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. अब क्या था, अब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसे और बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती गई। I was still learning about beekeeping. वो अभी भी बी कीपिंग करना सीख रही थी। Many times the bee would sting me and my hand and face would get swollen. क्या था, कभी कभी bees काट भी लेती हैं, और bee काट लेती हैं तो अनीता का फेस स्वेलिंग भी कर जाता था, सूज भी जाता था और उसको बहुत दर्द भी होता था। हाउ कुड आई कंप्लेन टू एनीबॉडी। लेकिन वो क्या, किसी को कंप्लेन नहीं कर सकती थी क्योंकि वो तो उसका खुद का सिलेक्ट किया हुआ वर्क था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू पीपल इन योर एरिया पुट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द बी हैज स्टंग। क्या आपके एरिया में कोई पीपल है जिसको कभी बी ने काटा है, तो फिर क्या यूज़ करते हैं काटने पर। जब मधुमक्खी काट लेती है तो हम उस पर नींबू या सोडा लगाते हैं। आपको हनी बी की पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। फिर इसमें बताया है कि द लीची ट्री कम टू फ्लावर इन फेब। लीची ट्री पर जो है फ्लावर फरवरी में आते हैं। और आई पुट ऑल माई 4 बॉक्स नियर द लीची ऑर्चर्ड। लीची ऑर्चर्ड होता है बगीचा, लीची के बगीचे में उसने अपने 4 बॉक्सेस रख दिए थे। एक बॉक्स से उसको 12 किलोग्राम हनी मिल जाता था, 12 केजी हनी उसको प्राप्त हो जाता था। वो क्या करती थी, उस हनी को मार्केट में बेच आती थी और इस तरह उसने फर्स्ट अपनी अर्निंग की। अब उसके पास, वो बता रही है कि अब उसके पास 20 बॉक्सेस हैं। अब पहले उसने 2 बॉक्सेस से स्टार्ट किया था, लेकिन अब उसके पास 20 बॉक्सेस हो गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ अनीतास 20 बॉक्स। अब 20 बॉक्स की क्या कॉस्ट होगी। अब एक बॉक्स तो 2,000 का है, तो 20 बॉक्स कितना का हो गया, आपको मल्टीप्लाई करना है 200 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये हो गया 40,000 की बॉक्सेज हैं उसके पास। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज। वो हमेशा साइकिल पे कॉलेज जाती थी और कॉलेज जो था शहर में था, 5 किलोमीटर दूर था। तो वो क्या करती थी, जब कॉलेज जाती थी तो उसकी मम्मी क्या है, मधुमक्खियों के लिए सिरप तैयार करती थी और उसके पापा मधुमक्खियों की देखभाल करते थे जो बॉक्सेस में मधुमक्खियाँ थी। अब अनीता के बारे में आपने बहुत सारी जानकारियाँ ले ली है। अब अनीता जो है वो गाँव में जो लोग रहते थे नियर बाई, उनको भी जानती थी। वो सभी गाँव के लोगों से मीटिंग करती थी और उनसे बात करती थी कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। उसने बी कीपिंग के साथ साथ लोगों को जागरूक करना भी शुरू किया। समटाइम पीपल मेक फन ऑफ कुछ टाइम लोग जो हैं उसका मजाक भी बनाते थे, बट अनीता जो है वो हमेशा अपने काम में लगी रही, बट लोगों के मजाक पर उसने ध्यान नहीं दिया। अनीता एक होल सेलर बनना चाहती थी। शी कैन हेल्प द विलेजर टू गेट द राइट प्राइस ऑफ दियर हनी, क्योंकि वो विलेजर्स को हनी का राइट प्राइस देना चाहती थी। होल सेलर कौन होता है, होल सेलर वो पर्सन होता है जो काफ़ी मात्रा में सामान को कलेक्ट करता है और फिर रिटेलर पर दुकान वालों को सेंड कर देता है, बेच देता है। तो होल सेलर को क्या है, सस्ता सामान मिलता है। Find out Anita and other in her village get
₹35 फॉर 1 kg ऑफ हनी, हाउ मच डज 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। अब यह है कि हनी जो है अनीता के विलेज में ₹35 का 1 kg आता है, लेकिन आपके टाउन में हनी की क्या प्राइस है। अब आपको बताना है कि क्या प्राइस होगी। अब ये आप अपनी मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, मार्केट प्राइस भी देख सकते हैं, आपके घर में हनी की प्राइस भी हो, हनी अवेलेबल होगा उसका भी बैच देखना। यूजुअली जो होता है 1 kg जो हनी की कॉस्ट होती है 600 से 650 के बीच में होती है, और वो डिपेंड करती है ब्रांड के ऊपर, किस ब्रांड का हमारा हनी है। वॉट आर द डिफरेंट कलर ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। आपने कौन कौन से हनी देखे होंगे, येलो, ब्राउन, गोल्डन कलर के हनी होते हैं। इस हनी यूज टू योर हाउस, और हनी आपके घर में यूज़ होता है तो किस काम में यूज होता है। आपको पता है जब कफ कोल्ड हो जाता है तो हमें कहा जाता है कि हनी यूज़ करो। एवरी बिहीव है 1 queen। अब बिहीव के बारे में बताया गया है कि जो एवरी बिहीव है, जो हर छत्ता होता है मधुमक्खी का घर होता है, उसमें एक क्वीन भी होती है और जो एग देती है। देयर आर मैनी फ्यू फीमेल इन हाइव होता है, मधुमक्खियों का ग्रुप होता है, ए ग्रुप ऑफ आंट इज कॉल्ड हाइव। उस ग्रुप में जो होते हैं कुछ मेल भी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी। मैक्सिमम जो बीज होती हैं हाइव में वो वर्कर बीज होती हैं, और वर्कर बीज जो होती हैं हमेशा काम करती रहती हैं, वही हाइव बनाती हैं, और वही जो बेबीज होते हैं उनकी केयर टेकर होती हैं, वही उनकी देखभाल करती हैं। वही जो वर्कर भी होती हैं वही फ्लाई करती हैं, पेड़ों के पास जाती हैं और उन पर नेक्टर सर्च करती हैं। नेक्टर कलेक्ट करके जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है उसी से शहद बनता है। जब एक भी हनी कोई फ्लावर कलर देख लेती है, फाइंड हो जाता है नेक्टर, वो देख लेती है हाँ इसमें नेक्टर बहुत है, तो वो क्या करती है, एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती है, और डांस करने पर वो एक साउंड क्रिएट करती है जिसे कहते हैं बजिंग साउंड। वो स्पेशल टाइप का डांस भी करती है ना। द वर्कर बी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाई, विदाउट वर्कर बी देयर वुड बी नाइदर हाई नोर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर भी नहीं होंगे तो किसी भी तरह का नेक्टर कलेक्शन नहीं होगा और ना ही उनका घर बन पाएगा। ऑल बीज इन द हाई वुड गो हंग्री, द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। जो मेल बीज होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल इसमें नहीं होता है। आगे है विच आर सम अदर इंसेक्ट दैट लिव टुगेदर इन अ ग्रुप लाइक हनी बीज। अब आपको बताना है कि जैसे हनी बीज ग्रुप में रहती हैं ऐसे बहुत से इंसेक्ट रहते होंगे, तो आप सर्च कीजिए कौन कौन से रहते हैं। आंट्स रहती हैं, वेस्प रहते हैं, टर्माइट्स रहते हैं, ये सब क्या है ग्रुप में घूमते हैं। आंट लीव्स एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज, द क्वीन आंट ले एग्स। ये मैंने आपको बता दिया क्वीन आंट्स क्या है, एग्स देती हैं। द सोल्जर आंट्स लुक आफ्टर द गार्ड द आंट। नेक्स्ट सोल्जर गार्ड भी होती हैं ग्रुप में, वो क्या करती हैं जो हमारा हाइव है उसको गार्ड करती हैं। वर्कर आंट हमेशा बिजी रहती हैं, वो फूड लाना ले जाना पहुँचाती हैं। टर्माइट एंड वेस्प आल्सो लीव लाइक दिस। जो अभी ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा था वो इसमें बताया कि टर्माइट्स और वेस्प आर भी ग्रुप में रहते हैं। हैव यू सीन वेयर आंट लीव, आंट लीव आपको पता है आंट जो है आंट हिल में रहती है, अंडर द ग्राउंड रहती है। वॉट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट्स आंट लीव्स देम, क्या है वॉट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट आंट्स, आंट्स को कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करती है, तो वो है शुगर, ब्रेड, ग्रेन्स एंड डेड इंसेक्ट जो है आंट को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है लुक एट अ लाइन ऑफ आंट्स, वॉट इज इट्स कलर। तो आंट्स का जो कलर होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड कलर की आंट्स होती हैं, आपने ग्रुप देखा भी होगा। हैव यू बीन बी